नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं रामकेश वर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब हमारी प्याज की फसल 25 से 30, 30 से 40 दिन की हो जाने पर प्याज की फसल में कौन कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम चार ऐसे खाद के बारे में बताएंगे, जिससे किसान साथियों, यदि आप अपनी प्याज की फसल में इन चारों खादों का सही मात्रा में अपने खेत में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपकी प्याज की फसल बहुत ही अच्छा और शानदार उत्पादन देगी और आपके खेत के अंदर ना ही किसी प्रकार के कीट का अटैक होगा और जो प्याज होगी वो बिल्कुल बड़ी होगी और कंद का साइज काफ़ी बड़ा होगा, जिससे यदि आप मंडी में लेकर जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिल सकेगा, क्योंकि बढ़िया और चमकदार माल की डिमांड काफ़ी बढ़िया होती है मंडी के अंदर। तो बात करेंगे कि ये चारों खाद कौन कौन से हैं और हमें अपने प्याज के खेत में कितनी मात्रा में, ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप को इस वीडियो में स्किप करके देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको बात करें खेत की निराई गुड़ाई की कर लेनी चाहिए। यदि आप निराई गुड़ाई खेत की अच्छे से कर लेते हैं तो, क्योंकि खरपतवार पौधे को मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि हमें उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको लेना है ह्यूमिक एसिड, जो कि ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है और उसकी मात्रा किसान साथियों आपको लेनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जैसा कि हम आप अपनी फसल में ह्यूमिक एसिड लगाते हैं तो आपकी फसल जड़ों के विकास करने में मदद करेगा और उतनी ज़्यादा फसल की जड़ अंदर बैठेगी, कंद का साइज भी हमें उतना ही बड़ा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जो हमारी फसल होगी तो हमें ध्यान देना है कि जो फसल ऊपर भाग है और अच्छे से हरा भरा होना चाहिए, तभी हमारा जो कंद है वो नीचे वो सुरक्षित होगा। तो हमें अपनी फसल में ऊपर से ही पता चल जाती है कि हमारी फसल नीचे बीमार तो नहीं है। तो हमेशा ध्यान देना है कि फसल हरी भरी हो तो हमें ह्यूमिक एसिड लेना चाहिए 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 98% वाला लेना है। साथ ही दोस्तों दूसरा काम करना है, आपको अपनी फसल में लेना है यूरिया। यूरिया आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है और इससे ज़्यादा यूरिया आपको प्रयोग में नहीं करना है और आपको फसल में यूरिया की मात्रा को धीरे धीरे कम मात्रा में प्रयोग में लाना है। यदि ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो यह आपकी फसल में नुकसान भी दे सकता है, इसलिए आपको 28 से 30 किलो प्रति ग्राम किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। साथ में किसान भाइयों, आपकी फसल में किसी भी कीट का अटैक ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना लग पाए, क्योंकि आपके खेत में ऐसी कोई बीमारी ना लग पाए जिसके लिए आप अपनी फसल में लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम जो हमारा रेजेंट कीटनाशक आता है, जो फिप्रोनिल आता है दानेदार वाला, उसकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, यानी प्रति एकड़ 3 से 4 किलोग्राम रेजेंट ले सकते हैं। और इन चारों को लेकर किसान भाइयों आप अपनी प्याज की फसल में लगा सकते हैं और यदि इन चारों खादों को आप अपनी फसल में डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो आपकी फसल होगी ग्रोथ करना शुरू कर देगी। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगेगा, फसल पीली भी नहीं पड़ेगी और जो कंद का साइज होगा किसान भाइयों वो काफ़ी बड़ा होगा और सुंदर होगा, कि जिसके कारण प्याज का कंद सड़ने की संभावना काफ़ी कम होती है। फसल पीली भी नहीं पड़ेगी और जो कंद का साइज होगा किसान भाइयों वो काफ़ी बड़ा होगा और सुंदर होकर चलेगा, जिसके कारण प्याज का कंद सड़ने की संभावना काफ़ी कम होगी, क्योंकि प्याज के सड़ने गलने से भी आप बच जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी पहली वीडियो प्याज के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कृषि से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।